find myself wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this... हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी वार्डरोब को किस तरह से मैं ऑर्गेनाइज करने वाली हूँ। इस बार काफ़ी डिफरेंट होने वाला है और आप वार्डरोब की हालत देख ही रहे हो कि इसकी हालत बहुत ख़राब हो गई है, क्योंकि इसको मैंने 2 महीने से ठीक नहीं किया है। तो चलिए, पहले सारे कपड़े मैंने यहाँ पर बेड पर निकाल लिए हैं और उनको अच्छे से फोल्ड करने की पूरी कोशिश करी है। और यहाँ पर कुछ कपड़े मेरे फोल्ड हो भी गए हैं। इतने सारे कपड़े हैं इसमें, सारे कपड़े हैं और हम तीनों के यहाँ पे कपड़े हैं जो कि पूरे बेड पर आ गए हैं। और इनमें से कुछ कपड़ों को मुझे रखना भी है जो कि इस सीज़न में बिल्कुल भी काम नहीं आ रहे हैं, वो बिल्कुल समर सीज़न के थे, तो उन्हें मैं हटा दूंगी। अभी कुछ कपड़े मुझे फ़ोल्ड करना बाकी था तो मैं वो भी फ़ोल्ड कर रही हूँ साथ में, और जो नहीं पहनने हैं उन्हें अलग से निकाल कर रख भी रही हूँ। और इस तरह से फोल्ड ही नहीं कर रही हूँ, साथ में वहाँ पर ऑर्गेनाइज़र भी मैंने रख लिया है जिससे मैं साथ में ऑर्गेनाइज भी करती रहूँगी। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि बैकग्राउंड में जो साउंड है उसको प्लीज़ अवॉइड करिएगा, क्योंकि किसी भी टाइम काम बंद ही नहीं होता है कि मैं वॉइस ओवर कब करूँ। तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। अभी तो मैं यहाँ पर सारे चीज़ें जो है ना फोल्ड कर करके ऑर्गेनाइज़र में रख रही हूँ सारे कपड़े। और इस तरह से कपड़ों को फोल्ड करके रखने से ना काफ़ी अच्छे से ये ऑर्गेनाइज दिखाई देते हैं। और घर पे मैंने जो छोटे छोटे ऑर्गेनाइज़र बनाए हुए थे उन्हीं ऑर्गेनाइज़र में रख रही हूँ। और कुछ मैं यहाँ पर छोटी छोटी सी बास्केट्स यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि ये मैं डग्गू के कपड़े रख रही हूँ और छोटे छोटे कपड़े ना छोटी छोटी बास्केट में बड़े ही अच्छे से आ जाते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे कपड़े थे जो मुझे रखने थे तो वो मैं अलग करती जा रही हूँ, एक साइड में मैंने रख दिया है। फिलहाल चलिए आपके साथ एक ऑर्गेनाइज़र शेयर करती हूँ जो मैंने अपने ऑर्गेनाइज करने के लिए वार्डरोब को यहाँ पर मंगाया हुआ है। ये मैंने मंगाया है मीशो से और कोई भी प्रमोशन मैं नहीं कर रही हूँ, और ये मैंने खुद ही मंगाया है और अपने लिए, और इसको मैं जो हूँ यहाँ पर यूज़ करूँगी आज अपनी वार्डरोब को ऑर्गेनाइज़ करने में, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेस हो जाता है, बहुत ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं जिसकी वजह से ऑर्गेनाइज़र के बिना ना कपड़ों को मैनेज करना बहुत मुश्किल हो रहा था। तो मैंने सोचा कि ऑर्गेनाइज़र मैं मंगा लेती हूँ, और ये बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं है, 250 रुपये के अंदर ही ये 4 ऑर्गेनाइज़र मुझे रिसीव हुए हैं। तो ये बहुत ही किफ़ायती जो है ऑर्गेनाइज़र है और काफ़ी अच्छा भी है। बट इसमें जो यहाँ पर मैं जीन्स रख रही हूँ ना, ये अगर हैवी जीन्सेज हैं आपके पास आपके हस्बैंड की, तो आप वो नहीं ऑर्गेनाइज कर सकते क्योंकि उनके अकॉर्डिंग ये छोटा है, इसकी जो वर्थ है ना वो बहुत छोटी है, चौड़ाई इसकी बहुत ही कम है। और इसमें ना पतले पतले कपड़े आप रख सकते हो, जैसे कुर्ताज रख सकते हो, टी शर्ट रख सकते हो, शर्ट्स भी रख सकते हो, और ट्राउज़र जो सॉफ्ट वाले हैं वो आप रख सकते हो। तो यहाँ पर मैंने फिर चेंज कर दिया क्योंकि ये फेल हो गया था, तो मैंने यहाँ पर टी शर्ट्स को ऑर्गेनाइज़ करना शुरू कर दिया। तो टी शर्ट्स देखिए सॉफ्ट होते हैं जिसकी वजह से इन्हें ऑर्गेनाइज़ करना बड़ा ही ईजी होता है। तो इनको मैं पहले रख के देख रही थी कि मैं किस तरह से इनको रखूं ताकि ये बिल्कुल इसमें अच्छे से आए, और जब मैं निकालूं तो ये ऑर्गेनाइज़र ना बिल्कुल जस की तस रहे, इसको ज़्यादा डिस्टर्ब ना मैं करूं और अपने कपड़ों को अच्छे से निकाल भी सकूं। तो दो दो टी शर्ट मैं एक एक ब्लॉक में रख रही हूँ, और आप देख सकते हो बड़े ईजी से आ गया है। बट इसमें इसकी क्वालिटी तो सारी ओवरऑल अच्छी ही है, बट इसमें जो नीचे सिर्फ कपड़ा लगा हुआ है ये थोड़ा मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि नीचे भी अगर पैड लगा होता ना तो उससे थोड़ी सी जो है ना मजबूती बढ़ती, और ये कपड़ा भी थोड़ा हल्का वाला है
तो थोड़ा ये कितने दिन चलता है अब पता नहीं। अब मैंने मंगा लिया था, मुझे ज़रूरत थी और फिर मैंने सोचा कि अब रिटर्न क्या करूँ, रख ही लेती हूँ। और वैसे भी घाटे का सौदा नहीं था ये, तो मैंने यहाँ पर ना अपने सारे टी शर्ट्स और कुर्ते इसमें ऑर्गेनाइज़ कर लिए हैं, और ये बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज़ भी हो जाते हैं, और इन्हें आप बहुत आसानी से ऑर्गेनाइज़ कर सकते हो। और इनको बस पतला पतला फोल्ड करके आपको ऑर्गेनाइज़ कर लेना है। और इसमें टी शर्ट्स मैंने दो दो एक साथ ऑर्गेनाइज़ करी हैं, और कुर्ते एक एक रखे हैं, और जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा स्पेस इसमें मुझे मिल गया और काफ़ी कपड़े इसमें आ गए हैं। और वेल ऑर्गेनाइज रहेंगे, जब मैं यूज़ करूँगी तब मैं मुझे जो ज़रूरत होगी वो मैं पिक कर लूँगी, और बाकी जो है ना कपड़े इस डिस्टर्ब नहीं होंगे। तो ये बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइज़र मुझे लगा। बाकी के मेरे जो सूट सेट्स हैं वो सारे मैं हैंग करके ही रखना पसंद करती हूँ, क्योंकि जब मुझे पहनना होते हैं तो मैं फ़ौरन से उठाती हूँ और पहन लेती हूँ। यहाँ पर मुझे ज़्यादा सर्च नहीं करना पड़ता है कि मैंने कहाँ रखा है और किधर रखा है। ये विजिबल भी रहते हैं और सामने रहते हैं, तो हम उसको रिपीट भी नहीं करते हैं उन्हीं कपड़ों को पहन पहन कर। ऐसे अगर हम सामने कुछ ही कपड़े रखते हैं ना, तो फिर हम उन्हीं कपड़ों को बार बार रिपीट करते हैं, और जो हमारे बाकी के कपड़े हैं वो हम पहनते ही नहीं हैं, और सीज़न भी चेंज हो जाता है जब तक। और यहाँ पर जो जीन्स वगैरह है ना, उसको मैं इस तरीके से फोल्ड करके रख रही हूँ, और फिर मैं इसको ऑर्गेनाइज़र में रखूँगी। ये फोल्ड करने का तरीका बहुत इजी है और बहुत ही अच्छा इफ़ेक्टिव है। इससे आपकी जीन्स जो है ना बहुत अच्छे से फोल्ड रहती है, ओपन नहीं होती है। तो मैं दो तीन जीन्स आपको फोल्ड करके दिखा दे रही हूँ, और इससे आप फोल्ड करके अपने जीन्सेस को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं, और ये बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज़ भी रहती हैं। अब ये ऑर्गेनाइज़र है जो मैंने बनाया था, और देखिए ये इस कॉर्नर पे से ना टूट गया है। तो इस तरह इसीलिए मैंने जो है ना ऑनलाइन ऑर्गेनाइज़र मंगाया है, क्योंकि इन ऑर्गेनाइज़र को बार बार मैं जोड़ रही थी। भले ही घर का जुगाड़ मैंने किया था, कुछ टाइम तो चला है, 1 साल तो हो गए इनको चलते हुए, लेकिन अब देखते हैं कि जो मैंने बाहर से मंगाया है वो कितने टाइम तक चलते हैं। और इसको मैं रिपेयर कर लिया मैंने, और ये अभी भी यूज़ करने के लायक है। और इसके अंदर मैंने जो है एक पिल्लो कवर लगा दिया है, जिसकी वजह से ना हमारे जो जीन्स हैं और जो कपड़े हैं ना, उस पे कार्डबोर्ड की महक भी नहीं आएगी, और बहुत अच्छे से ये ऑर्गेनाइज भी रहेंगे और क्लीन भी रहेंगे। तो नीचे एक लाइनर लगा देने से ना बहुत सही रहता है, तो मैं यहाँ पर नीचे लाइनर का यूज़ कर रही हूँ, और अब सारी जीन्सेस यहाँ पर ऑर्गेनाइज कर दूँगी। तो देखिए सारी जीन्स हमारी आराम से इसमें आ गई है, और कुछ ट्राउज़र्स जो बचे हुए थे वो भी इसमें जगह बची हुई है काफ़ी, इसमें भी ऑर्गेनाइज कर दूंगी। तो सारे ट्राउज़र्स और जीन्स एक जगह पर हो गए हैं। किसी भी वार्डरोब को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए आपको अलग अलग चीज़ें अलग अलग रखनी होती हैं, जैसे टी शर्ट अलग और शर्ट अलग, और जीन्स और ट्राउज़र अलग, और अंडर गारमेंट्स अलग, और सॉक्स अलग, ताकि आपको कभी भी सर्च करना हो जब आप ऑफिस वगैरह जा रहे हो जल्दी में, तो आप इसको आसानी से आपको मिल जाए चीज़ें, और आपकी वार्डरोब भी ऑर्गेनाइज्ड रहे काफ़ी लंबे टाइम तक। तो इस तरह से देखिए मैं यहाँ पर टी शर्ट्स भी ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ इसी ऑर्गेनाइज़र में, और देख सकते हो आप कि मैं दो दो टी शर्ट रख रही हूँ, और कहीं पर कोई मोटी टी शर्ट है जिसके कपड़े मोटे हैं उनको मैं एक एक रख रही हूँ। और यहाँ पर मैंने कलर को भी थोड़ा दिया है कि ताकि अलग अलग कलर मैं एक साथ ना रखूँ, और जिससे कि समझ में आए और विजिबल रहे कि मुझे कौन सा कलर लेना है और कौन सा कलर हमें पिक करना है, हमारे समझ में होना चाहिए। और यहाँ पर जो पतले वाले ट्राउज़र्स होते हैं ना, वो सारे ट्राउज़र भी ऑर्गेनाइज कर लिए थे, और जीन्स भी फोल्ड कर ली थी। अगर आपको पूरा वीडियो में दिखाते तो बहुत लंबा हो जाता और आप बोर भी हो जाते, इसलिए मैंने सारी चीज़ें कर कर आपको दिखा दी हैं। अब नीचे वाला जो है वो मैं अच्छे से ऑर्गेनाइज कर दूंगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा यही बिगड़ता है, और इसमें जो है ना स्पेस तो ज़्यादा है लेकिन गहराई ज़्यादा है इस वाले पिल्लो
में रैक में तो मैंने इस तरीके से ऑर्गेनाइज करने का सोचा है अब की बार, ताकि ज़्यादा जो है ना कपड़े खराब ना हो और अच्छे से ऑर्गेनाइज रहें। तो ये डेली की जो टी शर्ट्स हैं हस्बैंड की वो रख दी हैं, और बाकी जो कभी कभी जीन्स पहनते हैं वो वाली जीन्स अलग रख दी है, और ट्राउजर्स अलग रख दिए हैं, और शर्ट्स भी यहाँ पर मैंने अच्छे से फोल्ड करके यहाँ पर रख दी है। और यहाँ पर मैं सारी जो छोटी छोटी सी चीज़ें होती है ना इस ऑर्गेनाइज़र में रख दी हैं, और जो कि फटाफट से मिल जाएं। जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना उन्हें ढूंढने में सबसे ज़्यादा परेशानी आती है। तो इस तरह से ये रैक भी काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड लगने लगी है, और बहुत ही फ्री फ्री दिख रही है, बहुत ज़्यादा भरी भरी भी नहीं दिख रही है। तो मुझे लगता है कि ये ऑर्गेनाइजर्स बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं और मेरी वार्डरोब को सुंदर भी बना रहे हैं। तो यहाँ पर मैं रग भी जो है ना पहले लाइनर लगा लिया, सफाई कर ली, और रग में भी काम चल रहा है ना घर में तो मैं नहीं लगा रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदा हो जाएगा, फिर मेरी बहुत ज़्यादा एफर्ट बढ़ जाएंगे इसको साफ करने में। तो यहाँ पर जो है ना मैंने डुगू के भी कपड़े ऑर्गेनाइज कर दिए हैं, और सबकी अलग अलग जो है ना रैक है, तो इजी रहता है अपने अपने कपड़ों को सर्च करना, क्योंकि उन्हें पता होता है कि हमारे कपड़े इसी ब्लॉक में होंगे। तो इस तरह से जो है ना मैंने ऑर्गेनाइज कर दिया है, और काफ़ी जो है ना अच्छी वार्डरोब दिख रही है, बहुत ज़्यादा भरी हुई और कपड़े भरे भरे नहीं दिख रहे हैं। और यहाँ पर कुछ ऐसे कपड़े हैं जो कभी कभी यूज़ होते हैं और चाहिए हो जाते हैं अचानक से, तो वो कपड़े रख दिए हैं, जैसे पुरानी बेडशीट वगैरह हो गई, टॉवल हो गए, और कोई गेस्ट आ जाता है तो टॉवल चाहिए होती है, तो वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर रख दी हैं। और इसे जो है ना इस ऑर्गेनाइज़र को मैं यहाँ पर रखती हूँ कॉर्नर में, और कभी कभी चाहिए होता है तो मैं इसमें से निकाल लेती हूँ। तो एक ही वार्डरोब में इतने सारे कपड़े मैंने जो है ना ऑर्गेनाइज कर दिए हैं, और मेरी वार्डरोब बिल्कुल फ्री और खाली खाली सी भी दिखाई दे रही है। तो आप देख सकते हो पूरे बेड पर कपड़े थे, और अब सारे कपड़े जो है ना इन ऑर्गेनाइज़र में समा गए हैं। और हाँ, आपको तो मैं बताना ही भूल गई कि ये मैंने बीच में ना रखा हुआ है दुपट्टों को फोल्ड करके, इसको रोल बना बना के रखा है एक ऑर्गेनाइज़र में। तो वीडियो अगर पसंद आई होगी तो ज़रूर लाइक करिएगा, और मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए थे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं बनाती हूँ इसी तरह के वीडियोस जो होते हैं आपसे और आपके घर से रिलेटेड। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई होगी तो ज़रूर लाइक करिएगा, और नहीं पसंद आएगी तो डिसलाइक कर दीजिएगा। चलिए फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।